बोलबा भाव बा तहरा लीच। हेलो हेलो, हाँ सर, गुड आफ्टरनून। हाँ नमस्कार सर, मैं मैरिज ब्यूरो से बात कर रही हूँ, विवाह एंटीमोनियल से। का वाई मतलब का हो थे मैं? सर हमारे यहाँ ऑनलाइन शादियाँ लगवाते हैं, रिश्ते लगवाते हैं। अरे जल्दी करा, हमको ब्याह करे के, हम जल्दी बात। हाँ सर, तो आपने जस्ट डायल पर इंक्वायरी की थी शादी के लिए? का कह रहे मतलब ना समझते थे। आपने जस्ट डायल पे शादी के लिए इंक्वायरी की थी? हाँ अच्छा हाँ, तो मुझे आपका वहीं से नंबर मिला है, आपने इंक्वायरी की थी इसलिए मैंने कॉल किया आपको। हाँ हाँ तो सर भैया। आप, हाँ बोला। तो सर आप किसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अपने लिए या फिर किसी और के लिए? अरे दूसरे दूसरे को मारा गोली, हमको अपन देखे क्या है ये। अच्छा तो सर आपकी शादी हुई है पहले? एक ही भाई है वो मेरा, हुआ माँ बहुत मेहनती है, बहुत काम कर, परेशानी है, लखा देखी और आ गया, तो दोनों मतलब मिल के काम करते हैं। अरे तो सर आप दो दो शादी कैसे कर सकते हैं, ये तो इलीगल है ना? अरे तो का भाई, अरे सर तो ऐसे कैसे हो सकता है, अरे तो हम आपकी एक मतलब शादी हो चुकी है, अगर डिवोर्स हो चुका होता तो ठीक था, लेकिन अभी तो आपकी वाइफ है, फिर क्यों आप शादी करना चाह रहे हैं? अरे तो पैसा करता है क्या, बच्चों भैंस करता है, बच्चा करता है क्यों, आना का घर हमारे आहा ना। अरे यार जाता मरे भाई, हेलो बुला सर। लेता रुका यार, कने सारी रिश्ता है बतला ली। हाँ मैडम तो हो मैं कहा, हम सब थोड़ा पैसा वाले हैं, सब समझ लीजिए। तो सर पैसे से हर चीज़ नहीं होता है ना, आप जिससे आप शादी करेंगे अब वो सामने वाला पता नहीं आपसे करेगा नहीं करेगा, आपकी वाइफ तो पहले से है ना सर, आपकी वाइफ तैयार होंगी? ऐसा है हम इनका भगा देव। अरे सर ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ अरे कैसे ठीक हो है जुआर लगा तो मैडम जान ले, मजाक ना करते, हम बहुत परेशान हो गया ही। अच्छा सर ठीक है, तो फिर आप सर थोड़ा सा अपना डिटेल हमको नोट करा देंगे, तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगी। डिटेल हाँ मतलब आप अपना नाम पता, कितना उम्र है, कहाँ के हैं आप, क्या अच्छा करते हैं, अच्छा कितना कमाते हैं, ये सब लिखवाएंगे तब तो हम लड़के वालों से बात करेंगे तब तो। चलो ठीक, हम जाने कहा दिया कि आप अपना डेटोल लिखवा दीजिए, मतलब हम कहे निरमा पाउडर साबुन नहीं लिखवाई। अरे सर आपका निरमा पाउडर क्या करेंगे हम लेके, मुझे डिटेल चाहिए ना आपका। अच्छा तो ले अब पूछा हम बताई। अच्छा सर वेट, हाँ सर बताइए आपका नाम। हमारा नाम है अखिलेश। अखिलेश, और आगे कुछ भी लिखते हैं सिर्फ अखिलेश? आगे कुमार। अच्छा अखिलेश कुमार, आगे मिक्स वे चाहिए थे। अच्छा सर। सर पापा का नाम क्या होगा आपके, पिताजी का? उनका नाम है राम नवाज। राम नवाज सर, हाँ वो सिर्फ राम नवाज लिखते हैं और कुछ? अब पहले लिखा तो रहे ना, अब नाइन है ना, मतलब कि राम नवाज। अच्छा, हाँ वो नौ ठीक मतलब आखिर मतलब ब्याह के लड़के लगे ना देखा, तो हम घर अकेले रही थे। है। अच्छा ठीक है सर। सर मम्मी का नाम क्या है, माता जी का आपकी? प्यारी देवी। प्यारी देवी, हाँ राम प्यारी देवी, राम प्यारी देवी, राम प्यारी। अच्छा राम प्यारी, हाँ ठीक है। प्यारी प्यारी क्या थे भैया। अच्छा अच्छा ठीक है सर। और सर भाई बहन कितने आप लोग? ये सब कहते मैंने लिखा दिया। अरे सर पता होना चाहिए ना फैमिली बैकग्राउंड में, मतलब कौन कौन है फैमिली मेंबर में, कौन अरे क्या हम करता है। फैमिली हमारा बहुत बड़ा है, जल्दी रिश्ता का हाँ उपरा, हम मजाक ना जल्दी बिया हमारा करावा, हमारा गोली दुनियादारी सब हमारो लिखा दे पता है। रुक जा पहले हमारा काम बना जा, तू ही हमारो ऑनलाइन हुई है ना। अच्छा अच्छा सर, थोड़ा सा आप हिंदी में बात कर लेंगे सर, आपकी लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आ रही अरे है। मैडम जी हिंदी ही तो बोला था ही हम सब का, हम गाँव को गंवा रहे हैं। सर सर थोड़ा सा लैंग्वेज आपके मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा हिंदी में बात कर लेते तो। अरे महारानी का बताई तो का, हम हिंदी में बात कर रहा था, ये अंग्रेजी हमका नहीं आवती सब, इल्ली भीर छिबीर वाला जो सब बोला था, हाउ आर यू आई लव यू। सर अरे सर ये क्या बोल रहे हैं, ये तो इंग्लिश हो गया ना सर। हाँ तो ये सब हमको नहीं आवत जो सब बोला थे ने। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। सर बताइए आपकी एज कितनी होगी, उम्र क्या होगा आपका, उम्र? उम्र लमसम हमारा 40 साल है। 40 साल, हाँ लड़की 20 साल की चाहिए हमको। सर आप 40 साल की लड़की 20 साल की क्यों? मतलब है कि अब थोड़ा हमका देखे में नीक लागे ना सर, अभी तो पहले तो आप शादीशुदा है, फिर 20 साल की लड़की भी आपको चाहिए न मिले। सर, बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा ठीक है सर, आगे अपना नोट कराइए। घर में आपका टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है?
फोर व्हीलर यहाँ देखत यह साइकिल लेखी है वह मोर्चा लागत है बरसात का फोर व्हीलर हमारे कहाँ हो ये। चार चक्का दो चक्का कुछ भी नहीं है आपके पास? दो चक्का वक्का कुछ ना है ना, यह साइकिल यह है वह जान लजोन मिलर है वह है एटलस वाली जो अच्छा। पहले साइकिल यहाँ एटलस चल रही वही साइकिल यह है एटलस। क्या नाम बता रहे? एटलस। हाँ एटलस साइकिल यह थे। अच्छा अच्छा ठीक है सर। सर आपको पता कहाँ होगा? हमारा पता? हाँ कहाँ से है आप, एड्रेस आपका? हम यहीं से बोला था ये अपने गाँव से। अरे तो आपके गांव का नाम, गांव का कुछ जहाँ रहते होंगे, गांव जिला ये सब तो कुछ पता होगा आपको। हाँ 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 तो कहाँ से हैं आप? हमारा गांव नाम है जवानी खड़ा राय कुरवा। क्या बोले सर, फिर से बोले, सॉरी। जवानी खड़ा राय कुरवा। लड़की कैसी चाहिए आपको, क्या करती होनी चाहिए, गोरी चाहिए? लड़की एकदम गोर रहा है और मुंह बढ़िया रहा है। मुंह बढ़िया? अच्छा हाँ और ठीक कान कान तो कम से कम मतलब दूठ ही रहा है सुने वाला जो सुनत रहा है। सर। कान तो सबके पास दो ठो होता है ना सर? अरे दूठ रहा है लेकिन क्यों कुछ हो के कान एक कैठी होती है कैठी सुनिए कैठी निकाल देती। मेरा आलू नीग रहा है बल्कि आधा काम तुम्हें कही है मतलब। हाँ नीग रहा है बाकी जो रहे काम हम कर ले साथ लेकिन नीग रहा है। सर आपकी हाइट क्या होगी, कितनी मतलब हाइट होगी आपकी? क्या क्या हमारे हाइट? हाँ आपकी हाइट क्या होगी? ये हाइट क्या हुआ बे? लंबाई। लंबाई पूछती है? हाँ हाँ लंबाई क्या होगी आपकी? हम लंबाई यही 4.5 फीट को हो गया उन 5 है नापे तो वही ना कहा फीता लाग नाप ली। सर अभी फीता आप नापे, आपको अपनी हाइट नहीं पता है? अब कब हो नापे जरूर। शादी करें ही कबर खनाई है। सही है मैडम जी तू तो मारा दिया पूरा अच्छा। एकदम एरा बेवरा ले लेती है। सर तो ये फॉर्मेलिटी मुझे करना होगा, फॉर्म फिल करना होता है तभी तो सर उसी हिसाब से लड़की ढूंढेंगे हम ना, जैसे आप होंगे वैसे लड़की ढूंढेंगे, मैडम इसलिए हमें जी पूछना पड़ता है। आपों का बजिए बड़ा मस्त है बहुत निपो रहो थे सॉरी सर। आए सर ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं मतलब आपों का बजिए बहुत मस्त है अगर कोनो दिक्कत ना हो तो आपसे मावा कर लीन जाए का कोनो ही हुआ है का। क्या बात कर रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा आपको क्या बोल रहे हैं आप? अरे का बोला था मतलब ब्याह करे क्या है और का बोला था। तो फिर मैं क्या करने यहाँ बैठी हूँ, शादी कराने तो बैठी हूँ आपकी ना। हाँ तो हम लड़का तू लड़की का ब्याह कर्म कोनो शरम है का? सर बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं आप। बदतमीजी हम ना ही करत है मेरे जी बतिया हमारा तो समझते नहीं ना आखिर ब्याह तो का करे क्या है। तो सर मैं आपसे शादी करूंगी। अरे का हमारे में कोनो कमी है का? पहले हमसे कही ले तू तो यार अपने फेरे में रहते हैं। पहले सर आप सही से बात करिए, मैं डिटेल नोट कर रही हूँ, पहले नोट कराइए। ले अब बात ले देख यार कुछ मेरे समझ नहीं मिल रहा का बतला नहीं तय बतला ले देख पूछ का बात क्या है का हम पूछी। हेलो हेलो। हाँ सर नमस्ते मैडम जी। नमस्ते नमस्ते। अरे कहते हम और शादी करेगी रहा सर, पहले पहले एक... हमारा फेरम देखा तू अपने लगा रहा था सर पहले वो उनका तो नोट करनी पाए डिटेल। पहले यहाँ पर डिटेल बताओ अगर हाथ में है उन्होंने ना कुछ बताया ना कलर बताया क्या किस कलर के मोटे हैं पतले हैं सब कुछ बताया। खराब क्या है हम एकदम गोर रही और बार हमारा एकदम मतलब उड़त रहा था जब चली थे। सर मोटे हैं पतले हैं कुछ एवरेज है? अरे एकदम मान लिया पतला ही बहुत मोट वोट ना हमारे मतलब हम एवरेज है मतलब आप। हाँ और घरे के सामने हमारे मुहार है द्वार बढ़िया है। सर द्वार वार से मुझसे मतलब नहीं है क्योंकि मैं थोड़ी बाहर रहूंगी, जो लड़की रहेगी उससे इसे मतलब है। जब मैं आपसे मिलवा दूंगी उनको तब ये सब आप उनसे बात कर लीजिएगा। अरे तो मतलब हम कहे द्वार हुआ कुछ है बाहर में और जो क्या पूछा था जो जल्दी बता दी। नहीं हम कहा अच्छा, करते क्या है आप? हम हाँ हम बहुत बड़ा मतलब काश्कार है बिजनेसमैन है बहुत बड़ा। बिजनेस में क्या करते हैं सर, क्या सैलरी क्या होगी, मतलब एक साल का सालाना कितना आप कमा लेते होंगे? अभी जान ला सालाना हमारा जितना लमसम अभी हम गिन ना पाए हमारे अंडर में लमसम बहुत लोग काम करते हैं। तो सर वो मैटर नहीं करता ना, आप कितना कमा लेते हैं एक साल में, मैं ये जानना चाहती हूँ। और करते क्या है आप बिजनेस में, क्या करते हैं, किस चीज़ का बिजनेस है आपका? भैंस व्यापारी है ये। सॉरी सर कुछ ना मैडम झूठ बोलता है
हम बहुत मतलब बहुत बड़ा हमू वही मतलब हमारे दूध एक डेयरी है। अच्छा, दूध का डेयरी है आपका। हाँ, जैसे तो जैसे छेड़ी बकरी सब इसका दूध उध इकट्ठा कर ली थे हम। छेड़ी बकरी सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं सर, इसलिए मैं बोले थोड़ा सा आप हमसे हिंदी में बात करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। हिंदी है तो बोला था ही बच्ची का बताई तो कब हम। ठीक है सर, तो लड़की का डिमांड आप बताइए। और सर दहेज वहेज में कुछ नहीं रहे सर आपका है मैटर? अरे लड़की आया बस दहेज के मारा गोली, हम बहुत परेशान हो गया ही। माँ देखा गया गदेला स्कूल नहीं जा पावा कहाँ। बच्चे भी आपके सर? हाँ, तीन बेटुआ तीन बिटिया। हाँ सर, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे आप तो पहले वाइफ भी है फिर बच्चे भी हैं। चलो ठीक है मैडम जी, रखब का बताए फिर ना, हम जानते हैं मार्केट न करे बबू। नहीं सर सुनिए, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जैसा होगा फिर मैं बात कर लूंगी। चलो ठीक है, 1000 रुपये देना होगा आपको। चलो ठीक है मैडम जी, बात बात कीजिए, समय ओवर होता है हमारे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, बनी रहा कुछ रहा।